सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक। आज हमारे पास है हीरो सुपर स्प्लेंडर 2023 वाली मॉडल, हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। एंड यहाँ पे आपको IPS की बैजिंग मिल जाएगी। इस वीडियो में गाइज हम लोग टोटल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं सुपर स्प्लेंडर का। इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, फीचर मिलेगा, क्या माइलेज है एंड क्या आपको ऑन रोड प्राइस ये देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इसके की से। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी की देखने को मिलती है हीरो सुपर स्प्लेंडर में, जैसे आपको पहले देखने को मिलती थी। सबसे पहले गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको ब्लैक रंग का वाइजर देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको कॉशन देखने को मिलेगा। कुछ फ्रंट में आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। गाइज ये टोटल ग्रे कलर है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर अपडेट मिले हैं 2023 वाले वेरियंट में। एंड यहाँ पे आपको DRL देखने को मिलेगा, हाई बीम एंड लो बीम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फुल LED सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गाइज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका LED DRL है एंड पास लाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। देन गाइज यहाँ पे आपको नीचे नंबर प्लेट की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। अगर सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, साथ ही में यहाँ पे आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन का यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे आपको ग्रे देखने को मिलेगा एंड पीछे ब्लैक। यहाँ पे आपको साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा दोनों तरफ। एंड गाइज बात कर लेगा टायर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप सभी लोग को 18 इंच की यहाँ पे अलॉय व्हील टायर देखने को मिलेंगे फ्रंट में। तो फ्रंट की कुछ ऐसी लुक है गाइज, पहले से बहुत ज़्यादा इसमें अब चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे पहले हेलोजन देखने को मिलता था, अब यहाँ पे आपको फुल्ली LED सेटअप कर दिया गया है। एंड यहाँ पे गाइज ऊपर आपको कंपनी फिटेड मिरर भी देखने को मिलते हैं, रियर व्यू मिरर। एंड अब बात कर लेते हैं टोटल साइड प्रोफाइल की। तो साइड में सबसे पहले आपको यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर का 3D लोगो देखने को मिलेगा, जो कि 3D है। एंड यहाँ पे आपको कुछ स्टिकरिंग देखने को मिलेगी एंड एक्सटेक की बेजिंग। एंड यहाँ पे आपको गाइज कुछ क्रोम का फिनिशिंग देखने को मिलेगा, जिससे कि ये व्हीकल का जो लुक है और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। एंड यहाँ पे अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आप सभी लोग को 125cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे अगर हम लोग फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कितनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ आपको गाइज E20 इट मीन्स गाइज ये फ्लेक्स फ्यूल से भी चल सकता है, इट मीन्स 10% एथेनॉल एंड 90% पेट्रोल से भी ये गाड़ी इजिली चलेगी। जैसा कि नितिन गडकरी जी ने बोला था, फर्स्ट ऑफ अप्रैल से सभी गाड़ियाँ BS7 में आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपको हीरो एंड होंडा में सबसे पहले ये फीचर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको I3S का बैजिंग देखने को मिलेगा। एंड ये जो स्टिकर आप देख रहे हैं ये पूरा यहाँ पे गाइस पीछे तक गया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको हीरो का स्टिकर देखने को मिलेगा, 3D लोगो नहीं है। एंड गाइस सस्पेंशन की बात करें पीछे वाली, तो पीछे में आप सभी लोग को डबल रिंग टाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि गाइज इसको आप होल्ड भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड देखने को मिलेगा, डबल स्टैंड। गियर की बात करें गाइज, तो यहाँ पे आपको टोटल 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर देखने को मिलता है। एंड अगर ब्रेक की बात करें फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा एंड रियर में भी आपको वही कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है। अब बात कर ले बैक की, तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले आपको पिलियन के लिए ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट का ऑप्शन किसी भी सुपर स्प्लेंडर मॉडल में अवेलेबल नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको नॉर्मल प्लेन सीट देखने को मिलेगा। गाइस प्लेन सीट का एक फायदा होता है कि आप तीन बंदे आराम से बैठा सकते हो। एंड बात करें रियर हेडलैम्प की, तो यहाँ पे आपको रियर हेडलैम्प हैलोजन देखने को मिलता है, साथ ही में दोनों टर्न लाइट इंडिकेटर भी हैलोजन देखने को मिलता है। जस्ट उसी के नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा एंड नंबर प्लेट की होल्डिंग। गाइस नंबर प्लेट का होल्डिंग का जो रिफ्लेक्टर रहेगा वो भी ब्रेक लाइट से इसके काम चल जाएगा। एंड उसी के नीचे आपको बड़ा सा मडगार्ड देखने को मिलता है। अगर मैं आपको अगर सस्पेंशन के बारे में बता दूं, तो रियर में आपको डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन देखने को मिलता है एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है गाइज, अगर आप आगे वाला ब्रेक मारते हो तो उसका 25-30% ब्रेक ऑटोमेटिक पीछे वाला अप्लाई हो जाता है, या फिर पीछे वाला ब्रेक मारते हो तो एज वेल आगे वाला हो जाता है। एंड यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर बड़ा सा यहाँ पे आपको क्रोम का एक गार्ड देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट गार्ड। एंड यहाँ पे आपको पिलियन के लिए फुटरेस्ट देखने को मिलता है। सेम गाइज अगर राइट साइड प्रोफाइल की बात कर ले, तो यहाँ पे सेम राइट लेफ्ट साइड प्रोफाइल की तरह यहाँ पे आपको राइट साइड प्रोफाइल भी देखने को मिलता है। सुपर स्प्लेंडर का 3D लोगो, एसटेक की अगेन बैजिंग एंड यहाँ पे आपको एक स्टिकर देखने को मिलता है। पीछे भी यहाँ पे आपको हीरो की स्टिकर देखने को मिलेगी, जो कि 3D नहीं एक स्टिकर है। एंड यहाँ पे भी आपको I3S का हीरो मतलब I3S को ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब व्हीकल में 3 से 4 जगह I3S है, तो ये चीज़ आप गौर करिएगा। एंड सेल्फ स्टार्ट वेरियंट है, किक एंड सेल्फ दोनों ही आता है इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं गाइज इसके मीटर कंसोल के बारे में, तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है। गाइज यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको साइड स्टैंड, इंजन चेक लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर
एंड यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, दो ट्रिप मीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कनेक्टिविटी की ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती। एंड यहाँ पे गाइस नीचे आप एक बटन देख पा रहे होगे, मोड कॉक बटन, यहाँ पे आप इसको इजिली क्लिक करके मोड को चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको न्यूट्रल की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर गाइस यहाँ पे आपको ITS की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, एंड गाइस यहाँ पे आपको पास का देखने को मिल जाएगा, एंड आप ऊपर टर्न लाइट इंडिकेटर का। तो ये गाइस टोटल इसका मीटर कंसोल, बहुत ही अच्छा है, पहले से तो अपडेट हो गया है। एंड जो इसका येलो जैसे एक होता है गाइस ट्रांसपेरेंट रहता है, जो कि डे टाइम में थोड़ा सा दिक्कत होता है देखने में, लेकिन ये जो येलो टाइप का रहता है ये सही है, व्हाइट वाला थोड़ा बेकार रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके स्विचेस की। तो अगर हम लोग बात करें इसके लेफ्ट साइड स्विच की, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पासिंग देखने को मिलेगा, जिससे कि इसका ये पास लाइट जलता है। एंड यहाँ पे उसके नीचे आपको हाई बीम लो बीम देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस उसके जस्ट नीचे आपको टर्न लाइट का बटन देखने को मिलेगा, एंड उसके नीचे आपको हॉर्न का बटन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बार इसका हॉर्न सुना देता हूँ, ये गाइस इसका हॉर्न है। एंड अगर राइट साइड स्विच की बात करें, तो यहाँ पे आप सभी लोग को ITS का स्विच देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे गाइस इसका सेल, मैं आपको इसका मेन चीज़ सुना देता हूँ, जो कि इसका एग्जॉस्ट साउंड। गाइस ये BS7 इंजन है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो इसका। गाइज ये 2023 वाले मॉडल है, इसलिए यहाँ पे आपको E20 का एक लोगो देखने को मिलेगा इसके टैंक पे। एंड गाइज आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी हीरो सुपर स्प्लेंडर हैशटैग 2023 वाली मॉडल, एंड जो जो चेंजेस इसमें अपडेट हुए वो आपको कैसा लगा। एंड एक चीज और गाइज, अगर आप लोग वाराणसी और नियर बाई से बिलोंग करते हो, तो बिल्कुल आप लोग VS ऑटोमोबाइल पे आके चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्क्रीन पे चेकआउट कर पा रहे होगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए गाइज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल अपडेट एंड रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।